जब मैं राजस्थान से मुंबई जा रहा था तब मेरी ट्रेन आने में 2 घंटे बाकी थे और मैं स्टेशन पे था और स्टेशन पे मैंने कुछ चीज़ नोटिस की जहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल काफ़ी हाइट में थे एज़ कम्पेयर टू मुंबई के। तो मुझे इसका रीज़न तब पता चला जब वहाँ से डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन गुजरी। इस डिटेल को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मैं आ गया फ्लाईओवर ब्रिज पर। अब मैं यहाँ से डिटेल में आपको बताऊँगा। ये लाइन पे पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन दोनों चलेगी और यहाँ पर ओनली गुड्स ट्रेन चलेगी और इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट 1,24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करा जाएगा, वो भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पैसेंजर्स ट्रेन की वजह से गुड्स ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता था, जो कि अभी नहीं करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे को 64% का रेवेन्यू फ्रेट से ही आता है। इन सब के पीछे शिपिंग लाइन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो टॉप 9 शिपिंग लाइन स्टॉक्स।